यह आदमी खुद की जांच कर रहा है और अपने सैंपल को लेकर एक छोटे से बोतल में डालता है, तभी उस बोतल का पानी लाल रंग में बदल जाता है। ये देखकर आदमी डर जाता है और एक एयर होस्टेस से कहता है कि वो जल्दी ही बदलने वाला है, इसलिए प्लेन में जितनी भी नींद की गोलियां है वो उसे लाकर दे दो, नहीं तो प्लेन में सभी लोग मर जाएंगे। लेकिन एयर होस्टेस को लगता है कि यह कोई मजाक है, तभी उस आदमी के नाक से खून निकलने लगता है और वह उनसे कहता है कि वो टॉयलेट में जा रहा है और चाहे अंदर से कोई भी आवाज आए दरवाजे को मत खोलना। फिर वो आदमी टॉयलेट में जाता है और खुद को अंदर बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उस आदमी के नाक से खून आ रहा था और उसके दांत गिरने लगते हैं और टॉयलेट के अंदर से दर्द भरी आवाज आ रही थी। सभी यात्री जो प्लेन में थे घबराने लगते हैं। फिर एयर होस्टेस रेडियो पर कहती है कि सब ठीक है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो दर्द में अपने घुटनों पर गिर जाता है और उसके पीठ से चौकीदार कांटे बाहर आने लगते हैं। कुछ देर बाद टॉयलेट में की आवाज आने बंद हो जाती है और प्लेन में काम कर रहे कर्मचारियों को लगता है कि वो आदमी शायद सो गया है, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके नजरअंदाजी ने प्लेन के सभी यात्रियों को मार दिया।